बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं हसदिक टीवी। आज हम बता रहे हैं आपको कुवैत से 15 शख्स ऐसे गिरफ्तार हुए जो कि जुआ खेलते थे। जुए में मुलव्वस जितनी रकम थी, जितने मोबाइल थे, वो सब कुछ इनसे बरामद कर लिया गया है और रंगे हाथों इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में कि एक चलाकी भी ऐसे ही इस शख्स करते हैं जो कि इनके अंदर ही मौजूद होते हैं, जो कि पुलिस को बताने वाले होते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकी किसी भी आप कंट्री से मौजूद हैं सब कुवैत के अंदर, तो वो जनाब आपके लिए ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। अगर आप ऐसा ताश जुआ वगैरह के चक्कर में हैं तो ये बिल्कुल गंदी हरकत छोड़ दें। अगर आपने कुवैत में रहना है तो ये सब कुछ आते गंदी छोड़नी पड़ेंगी आपके लिए। मादर चाहूँगा अगर आपको इस वक्त बुरा लग रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये 15 अशखास ऐसे हैं, गैर मुल्की भी हैं इसमें टोटली, यानी जिनसे मौजूद हैं, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये पैसे सब कुछ इनसे बरामद कर लिए गए हैं, सामने यहाँ पर पुलिस ने रखे और इनकी पिक्चर ली। ब्लर इसलिए कर दिया गया है ताकि इनकी कोई शिनाख्त ना हो, इनको बाद में सामने आने वाली ज़िंदगी मुस्तकबिल के अंदर कोई परेशानी का सामना ना हो। मेरे दोस्तों, कुवैत में कोई भी छोटी सी कोई मिस्टेक करता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। वो बिल्कुल भी उसके साथ रायत नहीं होती, क्योंकि वो गैरकानूनी करता पकड़ा गया है। और पिछले दिनों भी ऐसा ही हुआ कि एक इंडियन शख्स था जो कि उसने पुलिस के साथ मजाक किया था, पानी वाला गुब्बारा था, उसने पुलिस के गाड़ी को मारा, जिस पर उसको डिपोर्ट कर दिया गया। भाई कोई भी, अगर आप मेरे दोस्त किसी भी कंट्री से मौजूद हैं कुवैत के अंदर, तो भाई आपको ये एहतियात बरतनी होगी। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना हो। ये जो 15 शख्स गिरफ्तार हुए हैं जुआ खेलते हुए, ये तो अभी तक नहीं बताया गया कि किस शहर से, किस मोहल्ले से ये गिरफ़्तार हुए हैं, और ना ही इनकी कोई एजेंसियाँ बताई गई है या किस कंट्री से हैं, किस कंट्री से इनका तल्लक है। मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अगर आप भी कुवैत में जाते हैं तो ताश खेलते हैं तो सादा ताश खेल सकते हैं, ये जुए वाला काम बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर पकड़ेंगे तो जनाब आप भी डिपोर्ट हो जाएंगे और सारी उम्र के लिए बैन कर दिए जाएंगे, कभी भी आप नहीं जा सकते कुवैत के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये उन तक ज़रूर शेयर करें जो कभी कभी ताश खेलते हैं, ताश का शौक़ रखते हैं। आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आपने हमें कमेंट करके बताना है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।